वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुएन टेक पॉडकास्ट बाय हुज़ैफ़ा सवाती। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं कॉमसेट्स की जो मेरिट लिस्ट आज 31 जुलाई को अनाउंस हुई है इस्लामाबाद कैंपस की, तो मैं उसको जहाँ जहाँ क्लोज हुआ है सबका फुल डिटेल में बताने लगा हूँ। और मैंने आज ही फास्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट भी अनाउंस की थी, तो वो भी इसी चैनल पे, अगर किसी ने फास्ट का टेस्ट दिया तो वो भी देख सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बताता चलूँ कि किसी ने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को या सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का मेरिट जो इस बार CS फील्ड्स के लिए वो काफ़ी हाई है। CS का जो मेरिट है इस बार कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का 88.18 पे क्लोज हुआ है, जो कि काफ़ी हाई गया है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 86.02 पे क्लोज हुआ है। CS फील्ड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 80.77 पे क्लोज हुआ है। डेटा साइंस का 85.02 पे क्लोज हुआ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 86.47 पे क्लोज हुआ है। और साइबर सिक्योरिटी का 85.42 पे क्लोज हुआ है। कॉमसेट्स में बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स की जो फील्ड है उसमें 70 पे मेरिट क्लोज हुआ है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट 57.45 पे क्लोज हुआ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काउंटिंग एंड फाइनेंस में 61.02 पे क्लोज हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 64.34 पे क्लोज हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में 51.04 पे क्लोज हुआ है। सेम बायोसाइंसेस में 53.64 पे क्लोज हुआ है, जबकि BS फिज़िक्स में 51.64 पे क्लोज हुआ है। और बायो की जो फील्ड है BS बायो, उसमें 51.87 पे क्लोज हुआ है। और बायो साइंसेस जो है उसमें 53.64 पे क्लोज हुआ है, जबकि BS केमिस्ट्री में 53.04 पे क्लोज हुआ है। और BS इंग्लिश में 51.05 पे क्लोज हुआ है, इंग्लिश में 51.05 पे। और BS मैथमेटिक्स में 50.40 पे क्लोज हुआ है। और BS इकोनॉमिक्स में 50.08 पे क्लोज हुआ है। और मीडिया एंड कम्युनिकेशन की जो फील्ड है उसमें 50.02 पे क्लोज हुआ है। BS साइकोलॉजी में 50.04 पे क्लोज हुआ है। और जो न्यू फील्ड है ये इस बार रिमोट्स एंड GIS, उसमें 50.08 पे क्लोज हुआ है, जबकि BS ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन में 50.06 पे क्लोज हुआ है। और ये सब जो थी, ये सारी इसकी मेरिट लिस्ट थी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 66.49 पे क्लोज हुआ है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 57.45। तो ये थी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट टोटल। और इसके अलावा अभी जो न्यू मेरिट लिस्ट आने वाली है, ये तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, अब सेकंड भी लगेगी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी, उसमें मेरिट गिरेगा। CS की फील्ड्स का इतना नहीं गिरेगा, बाकी फील्ड्स का गिरेगा, साइकोलॉजी का गिरेगा, काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स का मेरिट गिरेगा। तो उस पर मैं अलग से फुल वीडियो फिर से बनाऊँगा। और फास्ट यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है वो भी मैंने लगाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी वो भी जाके देख लें। और कॉमसेट्स पर मैंने इसके अलावा भी और वीडियो बनाई हुई है कॉमसेट के बारे में, जनरल कॉमसेट्स और फास्ट का थोड़ा बहुत कंपैरिजन उसमें किया, बल्कि इसमें भी थोड़ा कर लूँ कि CS में अगर आपका फास्ट में भी हो गया है और कॉमसेट्स में भी, अगर आप कंफ्यूज हैं आप किस में जाना चाहते हैं, तो आई वुड प्रेफर के CS के लिए, अगर आप मतलब कॉमसेट्स में जाओ अगर आपको साथ लाइफ भी चाहिए। और अगर आपको सिर्फ फ्यूचर चाहिए, अगर आपको लाइफ तो खैर फास्ट में आके बंदा डिप्रेस भी कह सकते हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ठीक है, अच्छा सीन है। जो पढ़ने वाले नहीं है लाइक मेरी तरह कह सकते हैं, जो अपनी मिसाल ही दूंगा, सबसे पहले अभी मेरे पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इतना कुछ बढ़ा है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो सारी बात इंटरेस्ट की होती है, हमारे लिए हम लोगों के लिए रगड़ा होता है, ये बात मशहूर है। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बाकी फास्ट बहुत बेस्ट है, अगर आपने करना है तो उधर जाएँ। और कॉमसेट्स भी बहुत बहुत अच्छी है IT में, तो कॉमसेट्स में अगर आपका फास्ट में नहीं हुआ तो कॉमसेट्स में हुआ है तो कॉमसेट्स में चले जाएँ, बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपका अगर जो मैंने पूरी मेरिट लिस्ट बताई है इसके मुताबिक आपका अगर हो रहा है तो कमेंट्स में बता दें आपका अगर हुआ है, और हो भी गया है तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।